it should always be the proposal from the side of the woman. Sir, don't run behind a woman for sex. Because that is a male in her, in their life who loves them irrespective of their body. Respect a woman for her feelings. Sir, वो चाहे ना तो खुदा बना दे आपको, बस वो चाह ले, पर वो चाहती कहाँ नहीं, क्यों नहीं चाहती वो, ये सब चीजें रही हैं। तो इस्लाम सर उसमें कुछ बुराई है ही नहीं इस्लाम में सर, वो यही ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको कहानी, एक्चुअली मोहम्मद ऑल्सो मेडिटेटेड फॉर 12 इयर्स, उनके 12 साल की कहानी किसी को नहीं पता, ही ऑल्सो मेडिटेटेड फॉर 12 इयर्स एंड व्हेन ही गॉट ईमान कॉन्शियस तो ही वांटेड टू गिव इट टू हिज पीपल। इट्स बेसिकली कंपैशन फॉर एवरी अचीवर। ये बुद्ध जो आपको घूम घूम के बता रहे ना, इसीलिए बता रहे यू बिकम द विक्टिम ऑफ कंपैशन कि क्यों मरा जा रहा है स्त्री के पीछे। सर एक किताब है चित्रलेखा भगवती चरण, प्लीज ऑल द मेल इन दिस क्लास प्लीज पढ़िएगा जरूर सर, प्लीज चित्रलेखा, इट्स अ हिस्टोरिकल नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल चित्रलेखा, वो सर वेरी फेमस डांसर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सर उस नॉवल को मेल मेंबर्स है, फीमेल पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, पर मेल मेंबर्स, सर डोंट रन बिहाइंड अ वुमन फॉर सेक्स, दैट इज द कोर ऑफ दैट बुक सर। Respect a woman for her feelings. If you succeeded in winning the heart of a woman, male member said, sir, बड़ी राज की बात बता रहा हूं, आपको लगता होगा बड़ी experience की भी बता रहा हूं, और if you succeeded in your life in winning the heart of a woman other than your mother, उसका तो जीतना ही है sir, you will become incarnation sir. Because woman has such a great potential, sir, वो चाहे ना तो खुदा बना दे आपको, बस वो चाह ले, पर वो चाहती कहां नहीं, क्यों नहीं चाहती हो, क्योंकि वो आपको खुदा बनाना चाहती है और आप उसके शरीर पे आकर रुक जाते हो, बस वहीं वो भी रुक जाती है। आपकी दोस्ती हुई, फ्रेंडशिप हुई, आपने उसे प्रपोज किया, हार्ट खरीद के दिया, चॉकलेट दी, 5 स्टार में खाना खाया, सब कुछ किया आपने और बड़ी खुश है वो आपसे कि यार ये आदमी मुझे प्यार करता है, पर एट द एंड आप सारा ट्रैक चेंज कर देते हो, बस वही उसे लगता है कि अच्छा ये चाहिए, चलो ले, बस वहीं पर आप लूजर हो जाते हो सर। बस वहीं पर आप लूजर हो जाते हो। इफ यू लव अ वुमन एंड यू आर मेल, इफ यू कंसीडर योरसेल्फ, इट शुड ऑलवेज बी द प्रपोजल फ्रॉम द साइड ऑफ द वुमन। आप कुछ मत करो सर, औरतें क्यों अपने फादर को मानती है, इसी वजह से सर, बिकॉज दैट इज अ मेल इन हर इन देयर लाइफ हु लव्स देम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बॉडी। आप औरत की बाप को कुछ बोल कर देखो, आपको जिंदा चबा जाए सर, मार डाले सर, उसका मेन रीजन यही है, बिकॉज वुमन नोज कि एनीवन हु इज कमिंग क्लोजर, एक्सेप्शंस आर देयर सर। शाहरुख खान इतनी हाइट पे क्यों है सर, बिकॉज ऑफ गौरी खान। स्टार्डम पाने के बाद बहुत लोग खो गए सर, कल्याण सिंह बिकेम द सीएम, अफेयर हो गया 50 साल की उम्र में, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो कपड़ में भी एक साथ लेके जाओ। पर शाहरुख खान की जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात टच कर गई सर, मैं शाहरुख खान और खान भाई मानते नहीं लोग, मैं भी आर्ट की रिस्पेक्ट करता हूं, बट द लाइन ऑफ शाहरुख खान विच मेड मी द फैन ऑफ शाहरुख खान वाज कि टुडे आल्सो आई टेक द परमिशन फ्रॉम माय वाइफ एंड देन आई एंटर इनटू हर रूम। यार जबरदस्त था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, अभी रिसेंटली घटना है, रिसेंटली वाज लास्ट ईयर एंड देन ही सेड कि टुडे आल्सो टुडे, पता नहीं जहां भी वो बोल रहा था, सब क्या रॉयल्टी की बात कह दी, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कि यार इतना महान कैसे हो गया ये। उस दिन मुझे पता चला सर, आप अगर महान बनना चाहते हो बस एक काम करो मेरी तरफ से, वुमन को रिस्पेक्ट करो सर। विवेकानंद बिफोर लिविंग टू शिकागो वो राजा के घर गए, क्या नाम था उस राजा का, कौन से राजा ने पार्टी, कौन सा राजा था जो उसने फाइनेंस किया था, अच्छा एक्सपाइज कोई भी राजा हो, राजस्थान का कोई राजा था, ही फाइनेंस दिस एंटायर जर्नी टू शिकागो। तो उनके घर गए तो राजा ने बनारस से एक डांसर मंगाई थी। तो विवेकानंद आफ्टर डांस विवेकानंद गोज टू दैट लेडी एंड टचेस द फीट ऑफ दैट लेडी एंड सेज मदर। तो उस लेडी ने कहा कि
कि अगर मेरे अंदर तुमको माँ दिखाई पड़ती है, because I have seen people abusing their wife, कि prostitute हो तुम. People say this to their wife, and he was calling a prostitute as a mother. Napoleon की भी यही खास बात थी सर. ये जो कहानी Napoleon, he was very fond of the company of women. एक बार पोप ने आके उससे कहा, मैं उस कहानी को पूरा कर देता हूँ. एक बार पोप ने उससे आके कहा कि तुम हमेशा, तुमको एक नई लड़की चाहिए. उसने कहा मैं बुलाता थोड़ी हूँ, आवाज आती है, मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ. पोप ने कहा दिस इज इललीगल, इमोरल, इरिलीजियस, विल बी पनिश्ड. उसने कहा ठीक है फादर, बट यू हैव टू स्टे हियर, आई लीव दिस, पर आपको एक हफ्ते मेरे साथ रहना होगा. फादर ने कहा ठीक है. पोप ने कहा ठीक है, बी विद यू. So in the morning when father came for the breakfast, he gave the bread pudding to father. That bread pudding was cooked excellently. In the afternoon he gave bread pudding, in the evening he gave bread pudding. This did happen for one day. Second day again bread pudding. That carried on for the second day. Third day again the bread pudding. Third day father was a little bit uncomfortable. Fourth day when the bread pudding came, then the Pope brought up, ki every day bread pudding. He said, father, then why every day Josephine? खिलाड़ी अच्छा ना हो, बहुत अच्छा खिलाड़ी था सर, बहुत बढ़िया, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो आता था ना, वो इसीलिए हिस्ट्री आपको पढ़ना चाहिए सर. जैसे आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ो नेहरू की, अंबेडकर को पढ़ो, कलाम सर, अब्राहम लिंकन, 4 pages पर डे, उससे ज्यादा नहीं सर. Within 1 year, you'll find a different part of your personality. सब कुछ बदल चुका होगा सर. और ये जो तुम्हारी आर्ट है ना, मतलब तुम तो अच्छा, पता है क्या, आपने गौर किया सामने वो कनेक्शन, पहली रैंक आएगी तुम्हारी अगर ये चीज तुम कैरी ऑन कर लेगा. बिकॉज तुम्हारी दूसरी सबसे अच्छी बात सर, सीखो इस आदमी से. उसने न्यूज पढ़ी नॉर्थ डैम की, उसने R&D की है उस पर. आप NCERT नहीं पढ़ते सर. Many of you, you don't open the NCERT. You don't take the pain for it. And you want to get first rank and you want to get qualified. Sir, us aadmi ne pain liya sir alag se. Aur teesri usse bhi achhi baat. Jis aadmi ko dhun pakad mein aati na, dhun. Ki kahan pe neeche le jana aur kahan pe upar. Sir, ye har jagah lagu hota hai. Pyar mein bhi ye hota hai sir. Ki kahan neeche lana hai aur kahan upar le jana hai. प्यार में भी यही है, वॉर में भी वही है, पढ़ाई में भी यही. अगर तुम धुन से करने लगे लाइफ में ना, पता नहीं, हो सकता है तुम्हें प्रधानमंत्री बन जाओ. क्योंकि ये सब कमाई सब पर एक बात याद, और एक बात हमेशा याद रखना, मेरी मजबूरी थी तुम्हें अप्रिशिएट करना. मजबूरी इसलिए थी कि तुम बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर गए, लेकिन तारीफ की एक कमी है. कभी कभी दिमाग में चली, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हारी कोई तारीफ, जैसे तुम आप मेरी तारीफ कर रहे हो, मैं ले नहीं रहा हूं सर. वो तो मेरी वाइफ ने आज मुझसे कहा कि दाढ़ी बना लो, बहुत बुरी लग रही है. बोली बाल घटा लो. शी टुक मी टू द सैलून मॉर्निंग में. अरे मैंने कहा मेरा फेयरवेल थोड़ी होता है, फेयरवेल तो उस अंदर की कॉन्शियस का होता है. खेल तो पर्दे के पीछे कोई और ही रहा है. तो मेरी दाढ़ी बड़ी हो, बाल बढ़ाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है. गांधी जी नंगे रहते हैं, महारानी विक्टोरिया बाहर आ रही उनसे मिलने के लिए. बर्मिंघम पैलेस में आप इतना बड़ा बड़ा सूट पहन के जाते हो, कोई बात ही नहीं करता आपसे. शादियों में जाते हो आप, 50,000 का सूट पहना सिलाते हो, 60,000 का सूट सिलाते हो. कोई सर आप ऐसी औकात पैदा करो जब आप कुर्ते पजामे में शादी में चले गए ना, तो एंटायर मॉब शुड टर्न टुवर्ड्स यू. अननेसेसरी एनर्जी को मत वेस्ट करो सर. आप जंगल में है राम की तरफ, तो तपस्या कर लो सर. क्योंकि भगवान भी नीचे, इफ गॉड विल आल्सो कम डाउन, ही हैज टू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ दिस लैंड. उसको तपस्या करनी ही करनी है, और आप कर रहे हो सर. एंजॉय करो इसे, बस हो गया. किसी को बोलना है?